हमारा सेकंड आउटकम है नाउ अबाउट द इंटरनेशनल इंश्योरेंस मार्केट। तो पहले डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस इन द यूके, पहले यूके की इंश्योरेंस की डेवलपमेंट है इसमें। कहते यूके फार बाय फार इज़ द लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट इन द वर्ल्ड एंड डायनामिज्म विद विच द यूके इंश्योरेंस मार्केट डेवलप्ड एंड इज़ फॉलोड बाय द ग्लोब मार्केट विल बी इंटरेस्टिंग टू नोट। कहते जो इंश्योरेंस मार्केट है वो वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड है और डायनेमिक इंश्योरेंस है, ठीक है, यूके की इंश्योरेंस मार्केट है जो सारा ग्लोबल मार्केट उन्हें फॉलो करती है, ठीक है। अभी प्रैक्टिस ऑफ मरीन इंश्योरेंस ग्रेजुअली स्प्रेड, जो मरीन इंश्योरेंस की प्रैक्टिस थी वो नॉर्थवर्ड टू द नीदरलैंड्स एंड देन लंडन, ये ग्रेजुअली स्प्रेड हुई, ठीक है, एकदम से स्प्रेड हुई। कहते व्हेन इन द 16th सेंचुरी, जब 16th सेंचुरी में हुई, 16th सेंचुरी में इसको फर्मली इस्टेब्लिश किया गया इन द मर्केंटाइल ट्रांजैक्शन, जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन सी ऑफ लंबार्ड स्ट्रीट्स की, ते वही विच वाज अ सेंटर ऑफ कॉमर्स, और वही सेंटर था कॉमर्स का, बिजनेस का, ठीक है। इन 1575 चैम्बर ऑफ इंश्योरेंस 1575 में चैम्बर ऑफ इंश्योरेंस को इस्टेब्लिश किया गया, वो पॉलिसी रजिस्टर करता था और डिस्प्यूट सेटल करता था, ठीक है। चैम्बर कहते जी इम्पोर्टेंट प्ले करता था ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव पीरियड ऑफ मरीन इंश्योरेंस इन लंदन, ठीक है। और उसने एक ध्यान से कहते का प्रॉपर पॉलिसी फॉर्म भी बनाया, ठीक है, और लॉयड्स का भी, लॉयड्स कहते जो लॉयड्स इंश्योरेंस थी उसका भी एक पॉलिसी फॉर्म था, ठीक है, फॉर कार्गो एंड हुल के लिए, ठीक है। कहते जो काफ़ी मैनी कंट्रियों में फॉलो किया जाता था, ठीक है। कहते ऑल्सो ये पार्ट था इंग्लिश मरीन इंश्योरेंस एक्ट 1906 का, जो लॉयड्स का पॉलिसी फॉर्म था वो कार्गो और हुल के लिए था और काफ़ी कंट्री में उसे माना जाता था, ठीक है। और इंग्लिश मरीन इंश्योरेंस एक्ट 1906 का भी एक पार्ट था। कहते 1982 में इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन अंडर राइटर्स उन्होंने एक अलग फॉर्म बनाया जिसका नाम था MAR, जिसमें कंटेन्स थे ओनली ऑपरेटिव क्लोजेज एंड शेड्यूल लिखा हुआ था, टर्म एंड कंडीशंस आर कंटेन्ड इन सेड इंस्टीट्यूट कार्गो एंड हुल क्लोजेज, और ये भी कार्गो एंड हुल क्लोजेज भी ऐड थे। विच आर अटैच्ड टू द पॉलिसी फॉर्म, जो पॉलिसी फॉर्म के साथ अटैच किए गए थे, और दिस प्रैक्टिस इज फॉलोवर्ड टिल डेट, और ये प्रैक्टिस अभी भी फॉलो की जाती है अभी तक। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ मरीन इंश्योरेंस, कहते जो मरीन इंश्योरेंस की अर्ली हिस्ट्री है वो काफ़ी लिंक होती है एक ओरिजिन और राइज ऑफ लॉयड्स के राइज के साथ। कहते शिप ओनर्स, जो शिप के ओनर होते थे, या सी कप्तान्स जो कैप्टन्स होते थे सी के, या मर्चेंट्स होते थे, ठीक है, जो मर्चेंट्स होते थे, सुदागर कहते हैं जो सौदा करते थे, ठीक है, यूज़ टू कॉन्ग्रेट मर्चेंट्स यूज़ टू कॉन्ग्रेट इन द कॉफ़ी हाउसेज टू डील विद देयर वेरियस मर्केंटाइल ट्रांजैक्शंस, वो एक कॉफ़ी हाउस में इकट्ठा होते थे जो अपनी कमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है, और वो ग्रेजुअली जो इंडिविजुअल मर्चेंट्स थे, ठीक है, उन्होंने साथ अपने काम के साथ जो रिस्क को भी मरीन रिस्क को भी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और वन सच कॉफ़ी हाउस मेड ए मेमोरेबल इन द इंश्योरेंस हिस्ट्री, इसीलिए लॉयड्स कॉफ़ी हाउस को वो हिस्ट्री का काफ़ी पुराना वो मेमोरेबल बन गया, ठीक है। और ये स्टार्टेड किया गया जो कॉफ़ी हाउस था एडवर्ड लॉयड्स ने अराउंड 1618 में। द कॉफ़ी हाउस इज़ द प्रैक्टिस ऑफ इंडिविजुअल अंडरराइटिंग, वो कॉफ़ी हाउस था वो इंडिविजुअल अंडरराइटिंग की प्रैक्टिस से शेप हुआ बना। कहते हैं आखिर में अवेंचुअली अराउंड 18th सेंचुरी के अराउंड जो इंडिविजुअल अंडरराइटर्स थे उन्होंने फॉर्म अपने आप को एसोसिएशन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, विद द कॉमन सब्सक्रिप्शन, ठीक है, सभी की मानता से। कहते 1871 में लॉयड्स एक्ट को फ्रेम किया गया और
उस कॉरपोरेशन बनाई गई ऑफ ललोयड्स की। कहते हैं 1911 में ललोयड्स के अंडर राइटर से उसको एम्पावर्ड किया गया, और वो पहले तो मरीन इंश्योरेंस का दिख रहे थे, ठीक है, बाद में वो दूसरी क्लासेस अदर क्लासेस ऑफ इंश्योरेंस पे भी वो काम करने लगे। और जो अदर क्लासेस है उसको बोला जाता था नॉन मरीन बिजनेस, ठीक है। कहते हैं जो टुडे ललोयड्स है इज रिगार्डेड एज ए ग्रेट इंटरनेशनल इंश्योरेंस सेंटर, और ललोयड्स को एक ग्रेट इंटरनेशनल इंश्योरेंस सेंटर कहा जाता है। ललोयड्स अंडरराइटर ऑपरेट विद जॉइंट इंश्योरेंस कंपनीज इन द स्पिरिट ऑफ कॉरपोरेशन एंड हेल्दी कॉम्पिटिशन। कहते हैं इवेंचुअली आखिरकार इन 1858 द एसोसिएशन ऑफ इंग्लिश एंड स्कॉटिश फायर ऑफिसेज वॉज फॉर्म्ड। 1858 में जो एसोसिएशन ऑफ इंग्लिश एंड स्कॉटिश फायर ऑफिस बने थे, ठीक है, उन और केम टू नॉन, कहते 1868 में उनको फायर ऑफिस कमेटी कहा गया, ठीक है, और बाद में सिंस देन हैज़ बीन ए सेंट्रल टैरिफ इंस्टीट्यूशन फॉर द फायर इंश्योरेंस, और सेंट्रल टैरिफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द फायर इंश्योरेंस कहा जाता है अभी। और कहते जो मिसलिनियस इंश्योरेंस थी 19th century में, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इसकी स्टार्ट की, ठीक है, जो मिसलिनियस इंश्योरेंस 19th century में स्टार्ट हुई और थ्रू क्रिएटेड बाय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। 1880 में एम्प्लॉयर लायबिलिटी एक्ट आया जिसने जो एम्प्लॉयर था उसको लायबल बनाया जो वर्कर इंजर्ड हो जाते थे और उनको उन सर्कमस्टांसिस में कंपनसेशन पे करना होता था, ठीक है, और इसी ने क्रिएट किया इंश्योरेंस प्रोटेक्शन को। और एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी अश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड होंद में आया, ठीक है, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। कहते इन अर्ली ईयर्स ऑफ 19th century, जो 19th century के अर्ली ईयर्स में काफ़ी एक्सप्लोशन हुए बॉयलर में जिसकी वजह से काफ़ी हैवी डैमेज हुआ और काफ़ी बॉडली इंजर काफ़ी नुकसान हुआ, ठीक है, जानी और माली काफ़ी नुकसान हुआ। और कहते कि वहाँ पे एक मैनचेस्टर स्टीम यूजर एसोसिएशन थी जो बॉयलर्स की 1854 में जो बॉयलर्स की इंस्पेक्शन प्रोवाइड करवाती थी, ठीक है, इंस्पेक्शन सर्विस देती थी फॉर बॉयलर्स। अभी क्या हुआ, अभी वो जैसे एक्सप्लोशन हुआ और काफ़ी नुकसान हुआ बॉडी और डैमेज है ना, काफ़ी नुकसान हुआ, तो एक कंबाइनिंग सिस्टम इंश्योरेंस प्रोटेक्शन स्टार्ट हुई जिसमें इंस्पेक्शन भी होती थी और साथ ही साथ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता था, वो करता था स्टीम बॉयलर अश्योरेंस कॉरपोरेशन। ये स्टार्ट हुआ 1858 में। एम्प्लॉयर लाइबिलिटी इंश्योरेंस ने कहते जी इम्फेसाइज किया थर्ड पार्टी क्लेम्स को, ठीक है, फ्रॉम थर्ड पार्टी अगेंस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ डेथ या बॉडली इंजरीज। अगर वहाँ पे डेथ होती थी या बॉडली इंजरी होती थी मैन्युफैक्चरर के कारण जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाते थे, ठीक है, उसकी वजह से इंट्रोड्यूस हुआ प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस, ठीक है। और आगे नेक्स्ट है कि फर्स्ट मोटर व्हीकल इंश्योरेंस एंटर्ड हुई यूके में इन 1894 में। जो कंपनी थी जो पहले मोटर व्हीकल बना इंश्योरेंस इशू करती थी वो थी ला एक्सीडेंट इंश्योरेंस सोसाइटी, ठीक है, जिसने पहले मोटर इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट किया यूके में, ठीक है, 1898 उसके बाद। और बर्गलरी इंश्योरेंस केम इनटू ट्रांजैक्ट, बर्गलरी इंश्योरेंस स्टार्ट हुई एंड ऑफ द 20th century। कहते जो हैवी इंश्योरेंस थी उसकी बिगनिंग हुई अराउंड 1909 में या 1910 में। कहते जो इंटरेस्ट था एरोनॉटिक्स में उनका इनकर्ज तब हुआ जब World War I हुई, ठीक है, तब डिमांड आई एविएशन इंश्योरेंस की, ठीक है, फर्स्ट बाय रेगुलर सिविल एविएशन सर्विस के द्वारा, ठीक है, जो स्टार्ट हुआ 1919 में। ओके एविएशन बिजनेस वाज आल्सो ट्रांजैक्टेड बाय ललोयड्स अंडरराइटर, ठीक है, ललोयड्स अंडरराइटर के द्वारा भी स्टार्ट हुआ, ठीक है, फ्रॉम स्टार्ट एंड टुडे स्पेशलिस्ट्स एविएशन सिंडिकेट प्रोवाइड सब्सटेंशियल इंश्योरेंस फैसिलिटी टू द वर्ल्ड मार्केट। और ये वर्ल्ड मार्केट को भी महत्वपूर्ण इंश्योरेंस फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। कहते हैं इंश्योरेंस मार्केट यूके की इंश्योरेंस मार्केट ने काफ़ी डेवलप हुई, ठीक है, और काफ़ी चीज़ें देती है इंटरनेशनल इंश्योरेंस, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग, ठीक है। और कहते हैं जो मार्केट है वो पावरफुल डोमेस्टिक इंश्योरेंस
कंपनीज और फॉरेन कंपनीज एंड लॉयल अंडरराइटर से बनी हुई है, ठीक है। द मार्केट इज़ रेगुलेटेड, ये मार्केट जो रेगुलेटेड होती है और कंट्रोल की जाती है स्टेट थ्रू द स्ट्रिंजेंट लेजिस्लेशन, जो उनके कठोर स्ट्रिंजेंट स्ट्रिक्ट जो उनके लॉ हैं उसके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है।